नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज हम बात करेंगे भारत में कनाडा के नागरिकों को क्यों कहा गया नो एंट्री। हम आपको दिखाएंगे कि कनाडा की धरती पर एक और गैंगस्टर कैसे ढेर कर दिया गया और इसकी हत्या के पीछे किसका हाथ बताया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे उन 40 आतंकवादियों की जो NIA की हिट लिस्ट पर हैं। बिग न्यूज बिग शो में आपको हम ये भी दिखाएंगे कि क्या स्कूल में पढ़ने वाला आपका लाडला या लाडली वहां पर महफूज हैं या नहीं। इस बुलेटिन की शुरुआत हम सबसे पहले करने जा रहे हैं भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्तों से। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। पहले कनाडा ने भारत को आंख दिखाई तो भारत ने पलटवार किया और अब भारत ने एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने कनाडा के नागरिकों को वीजा देने से इनकार कर दिया है और ये जो वीजा का इनकार है यानी कैनेडियन नागरिकों के लिए भारत में जो नो एंट्री है ये कब तक रहेगी ये भी अभी साफ नहीं किया गया है। तो चलिए इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं कि ये जो फैसला भारत सरकार ने लिया है इसकी वजह चाहे कोई भी दी गई हो लेकिन इससे भारत और कनाडा के जो नागरिक हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है, भारत और कनाडा के बीच जो व्यापार चल रहा है उस पर क्या असर हो सकता है, यही जानने की कोशिश है बिग न्यूज बिग शो की ये पहली बिग रिपोर्ट। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का ये बयान अब कनाडा के गले की फांस बनता जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने भले ही अपने बयान से यू टर्न ले लिया हो लेकिन भारत उनकी गुस्ताखी को माफ करने के मूड में नहीं है। दोनों देशों के बीच बढ़ते विवाद के बीच भारत ने कनाडा के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने कनाडा के नागरिकों की भारत में नो एंट्री कर दी है। कनाडा पर सख्ती दिखाते हुए खालिस्तानी आतंकियों को पनाह दे रहे कनाडा के खिलाफ मोदी सरकार ने और सख्त रुख अपना लिया है। कनाडा के नागरिकों के लिए भारत ने अनिश्चित काल तक वीजा सर्विस बंद कर दी है। कनाडा में भारतीय उच्चायोग और कॉन्सुलेट में BLS इंटरनेशनल नाम की कंपनी भारत के लिए वीजा दिए जाने की प्रक्रिया करती है। BLS इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट में बताया कि ऑपरेशनल कारणों से भारत की वीजा सेवाएं 21 सितंबर से अगली सूचना तक बंद रहेंगी। भारत की तरफ से कनाडा के नागरिकों को वीजा दिया जाना बंद करने से दोनों देशों के संबंधों में और तनाव आ सकता है। कनाडा और भारत के बीच पिछले दो दिनों से काफी तनाव बढ़ गया है। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की संसद में बताया था कि इस साल जून में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हुई हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ हो सकता है। भारत पर ये आरोप लगाने वाले ट्रूडो ने कोई सबूत तक नहीं दिया। कनाडा ने ट्रूडो के बयान के बाद भारतीय उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया था। इसके बाद भारत ने करारा जवाब देते हुए कनाडा के उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक को देश छोड़कर जाने का हुक्म दिया था। भारत के इस एक्शन के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवर नर्म पड़े थे और उन्हें अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी थी। As I've said, India, the government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper. Is that India and the government of India takes seriously this matter? It is extremely serious, and it has far-reaching consequences in international law and otherwise. For Canada, as I said yesterday, we're going to remain calm. We're going to remain grounded in our democratic principles and values,
We're going to follow the evidence and make sure that the work is done to hold people. जस्टिन ट्रूडो बेशक बैकफुट पर आ गए हों, लेकिन अब भारत आर पार की लड़ाई के मूड में है। भारत ने वीजा सर्विस बंद कर ये जता दिया है कि अगर किसी भी देश में भारत विरोधी गतिविधियों को पनपने दिया गया तो भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बहरहाल अब ये देखना होगा कि आगे दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव में और क्या क्या होता है, क्योंकि भारत के खिलाफ बयान देकर प्रधानमंत्री अपने ही देश में दबाव में है। अब इसकी वजह भी जान लीजिए। आपको बता दें कि कनाडा में भारतीय मूल की आबादी करीब 3% है। कनाडा में भारतीय मूल के 17 सांसद भी हैं। कनाडा की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में पिछले 5 दशकों से भारतीय मूल के लोगों का अहम योगदान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब तमाम दर्शक जानते हैं कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक और गैंगस्टर की कनाडा की धरती पर हत्या कर दी गई है। इसका नाम है सुखदूल सिंह गिल, जिसे सुखा के नाम से पंजाब के लोग जानते हैं। ये गैंगस्टर साल 2014 में पंजाब से जाली पासपोर्ट बना के कनाडा भाग गया था। सुखा हरदीप सिंह निज्जर का काफी करीब। कनाडा में खालिस्तान आतंकी ढेर हुआ तो कनाडा और भारत में तनातनी हो गई। कनाडा ने हत्या को लेकर आंख दिखाई तो भारत ने माकूल जवाब दिया। दोनों देशों के बीच तनातनी अब भी जारी है और इस बीच कनाडा में भारत का एक कैटेगरी का गैंगस्टर ढेर कर दिया गया। सुखा को कनाडा के विनीपिग में गोलियां मारी गई है। जानकारी के मुताबिक सुखा पर करीब 15 राउंड फायरिंग हुई है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये उन 41 आतंकियों और गैंगस्टरों की सूची में शामिल था जिसे NIA ने भी जारी किया था। सुखा की हत्या की जिम्मेदारी किसने ली, उसका हरदीप सिंह निज्जर से क्या कनेक्शन था, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुखा के बारे में बता देते हैं। सुखदुल सिंह उर्फ सुखा भारत का एक कैटेगरी का गैंगस्टर था। सुखा पंजाब के मोगा के गांव दुन्ने के कला का रहने वाला था। अपराध की दुनिया में प्रवेश से पहले मोगा DC कार्यालय में काम करता था। साल 2017 में सुखा पंजाब से कनाडा से भाग गया था। सुखा जाली पासपोर्ट तैयार करवाकर कनाडा फरार हुआ था। उस वक्त उसके खिलाफ 7 आपराधिक मामले लंबित थे। नंगल अंबिया कत्लकांड में भी दुन्ने के का नाम आया था। विदेश भाग वसूली और हत्यारों की स्मगलिंग शुरू की। सुखा मूल रूप से बमबिहा गैंग से जुड़ा हुआ था। सुखा खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का राइट हैंड था। अर्श डल्ला आतंकी हरदीप निज्जर का करीबी था। डल्ला उसके साथ मिलकर KTF के आतंकी मॉड्यूल को हैंडल कर रहा था। सुखा की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये सुखा दुनके बमबिहा ग्रुप का इंचार्ज बनकर घूमता था। उसका कनाडा में मर्डर हो गया है जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। इस हेरोइन लेने वाले और नशीड़े ने सिर्फ नशे और पैसे के चक्कर में कई घर उजाड़े हैं। अपने भाई गुरलाल बराड़, विक्की मिड्ढूखेड़ा के मर्डर में भी इसने बाहर रहकर सारी मदद की। अब इसे इसके किए हुए कार्य की सजा मिल गई है। बहरहाल ये हत्या तो गैंग वॉर में हुई है और अब देखना होगा कि इस हत्याकांड को लेकर कनाडा में कैसा रिएक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और इसी रिएक्शन के चलते हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अब 43 आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार की है। इसमें कुख्यात आतंकवादी हैं, कौन कौन ये लोग हैं और इनका संबंध अधिकतर कौन से राज्य से है और इन 43 लोगों को NIA ने अपनी रडार पर क्यों रखा है, आइए जानते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। कनाडा में एक बार फिर हुआ गैंग वॉर जिसमें गैंगस्टर सुखदूल सिंह मारा गया। आपको बता दें कि अज्ञात बंदूकधारियों ने पंजाब के इस क्रिमिनल की हत्या कर दी। गैंगस्टर सुखदूल वही शख्स है
जो NIA की वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। उससे पहले खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हुई थी हत्या, जिसकी हत्या के संबंध में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ हो सकता है। आपको बता दें कि निज्जर भारत में वांटेड आतंकवादी था, जिसे बीते 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के बाहर पार्किंग क्षेत्र में गोली मार दी गई थी। जिस प्रकार से निज्जर की हत्या का आरोप जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगाया, उसके बाद भारत ने करारा जवाब दिया, वहीं NIA ने कनाडी से संबंध रखने वाले आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े 43 लोगों की एक लिस्ट जारी की, जिसके संबंध में NIA ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास इन लोगों से संबंधित कोई भी जानकारी है तो वो NIA के साथ जरूर शेयर करें। NIA ने जो लिस्ट जारी की उसमें लॉरेंस बिश्नोई, जसदीप सिंह, काला जेठरी उर्फ संदीप, वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा और जोगिंदर सिंह की तस्वीरें उनके नाम के साथ साझा की गई हैं। इनमें कई भारत की जेल में बंद हैं, तो कुछ भारत से फरार होकर विदेशों से भारत में आतंक फैला रहे हैं। इनमें जोर देकर कहा गया है कि इनमें से कई गैंगस्टर कनाडा में रह रहे हैं। NIA ने लोगों से इस लिस्ट के गैंगस्टर्स, उनके सहयोगियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर स्वामित्व वाली संपत्तियों, परिसंपत्तियों, व्यवसायों के बारे में डिटेल शेयर करने का भी अनुरोध किया है। अब उन नामों के बारे में भी जान लें जिनका संबंध पंजाब से है। कनाडा में रहने वाले गैंगस्टरों की लिस्ट। NIA की लिस्ट में पंजाब के गैंगस्टर अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला मोगा, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू भीला बरनाला, गुरदीप सिंह उर्फ बाबू डाला लुधियाना, लखवीर सिंह उर्फ लांडा तरन तारन, रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज फिरोजपुर, सतवीर सिंह उर्फ सैम फाजिलका, सनोवर ढिल्लन अमृतसर, सुखदूल सिंह उर्फ सुखा मोगा, जिसकी 20 सितंबर 2023 को कनाडा में गैंग वॉर में हत्या हो गई थी। वहीं इससे NIA की लिस्ट में ऐसे भी गैंगस्टरों की लंबी फहरिस्त है जो या तो फरार है या फिर जेल में हैं, और कई तो गैंग वॉर में मारे गए हैं। NIA के लिस्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जसदीप सिंह, काला जेठरी उर्फ संदीप, वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा, जोगिंदर सिंह, राजेश कुमार उर्फ राजू मोटा, राजकुमार लियास, राजू बसोदी, अनिल छिप्पी, मोहम्मद शाहबाज, गोल्डी बरार अंसारी, सचिन थापन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम बराड, दरमान सिंह उर्फ दरमानियोट कहालो, अर्शदीप सिंह गिल, सुरेंद्र सिंह उर्फ चीकू, दिलीप कुमार उर्फ भोला। फहरिस्त लंबी है और NIA की तलाश लगातार जारी है। NIA ने इन तस्वीरों में दिख रहे गैंगस्टरों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर लोगों से बताने की अपील की, और अपराधियों के सहयोगियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर कोई भी जानकारी देने की आम लोगों से अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इसी खबर को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि पंजाब पुलिस ने इसी कड़ी में अब अपनी कमर कस ली है। पंजाब पुलिस गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है, और ये ऑपरेशन लगातार आतंकवादी ठिकानों पर रेड मारकर चलाया जा रहा है। ऑपरेशन में चाहे गोल्डी बरार के करीबी हों या लॉरेंस बिश्नोई के या दूसरी किसी गैंग के, NIA और पंजाब पुलिस की नज़र अब। देश और देश के बाहर बैठे गैंगस्टर्स NIA के निशाने पर हैं, और NIA उन पर शिकंजा कसने की हर संभव कोशिश कर रही है ताकि अपराध पर लगाम लगाया जा सके और देश विरोधी हरकतें भी बंद हों। वहीं गैंगस्टर्स के खिलाफ अब पंजाब पुलिस सख्त हो गई है। पंजाब पुलिस बड़ा ऑपरेशन चला रही है। गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए गुरुवार को पंजाब में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और 1000 जगहों पर छापेमारी की गई। पंजाब पुलिस की एक जो मुहिम है अगेंस्ट ड्रग्स ट्रैफिकर्स, स्मगलर्स, गैंगस्टर्स, उसी के तहत आज एक बड़ा ऑपरेशन पंजाब पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पैन पंजाब, पंजाब के सारे ज़िलों में 1000 से ऊपर जगह छापेमारी चल रही है, और जितने ये गोल्डी बराड के नोन हमारे साथी हैं या उनके एसोसिएट्स हैं, उन सब के ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। पंजाब के सीनियर ऑफिसर्स इनको मॉनिटर कर रहे हैं और शाम तक रिपोर्ट्स आने की संभावना। वी आर स्टिल वेटिंग, हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हमें नहीं प्राप्त हुआ है।
लेकिन पता लगा है कि इस तरह की घटना हुई है और वी आर चेकिंग अप ऑल द डिटेल्स। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि ये जो आजकल के हालात हैं और इसके तहत पंजाब पुलिस ने एक रेड अलर्ट हम सारी सिचुएशन पे हमने निगाह बनाई हुई है। दूसरा जो ये हमारे लोग जो हमारे वांटेड क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो गैंगस्टर्स हैं चाहे बड़े ड्रग स्मगलर्स हैं जो पंजाब छोड़ के हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले गए हैं, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और वो जल्दी पूरी की जाएगी। गुरुवार को पंजाब के कई जिलों में पुलिस का पहरा रहा। 1000 जगहों पर एक साथ छापेमारी को अंजाम दिया गया। ये छापेमारी सुबह 7 बजे शुरू हुई जो घंटों चली। पुलिस ने गोल्डी बराड गैंग से जुड़े सदस्यों को पकड़ने के लिए दबिश दी। कई लोगों से पूछताछ की गई, कई ठिकानों को खंगाला गया और छापेमारी के दौरान जो संदिग्ध मिले उन्हें राउंड अप करने के आदेश दिए गए। बहरहाल पुलिस संदिग्ध लोगों से पूछताछ करेगी और हो सकता है कि उनकी निशानदेही पर पुलिस के हाथ कुछ बड़ा लग जाए। कुल मिलाकर पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने के लिए कमर कस ली है और ये देखना होगा कि पुलिस का ये ऑपरेशन कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और बिग न्यूज बिग शो में अब बात करते हैं महिला आरक्षण बिल की। ये बिल बुधवार को लोकसभा में रखा गया और फिर इसके बाद राज्यसभा में पेश किया गया। कुछ चुनिंदा दलों को छोड़ दें तो सभी ने इस बिल का समर्थन किया और ये बिल कानून बनने के लिए अब लगभग तैयार है। इस बिल के माध्यम से अब 33% महिलाओं को आरक्षण मिल पाएगा। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन से हुई। उन्होंने बिल के नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि महिलाओं को वंदन नहीं समानता चाहिए। आप महिमा मंडल कर रहे हैं कि आप महिला रिजर्वेशन बिल लेकर आए, लेकिन मैं आपको उदाहरण देती हूं कि 9 मार्च 2010 में जब UPA 2 राज्यसभा में जब ये बिल पारित हुआ था, यानी सत्ता में आने के 1 साल के बाद, यानी कि हमारी मंशा आने वाले लोकसभा में इसका प्रचार करना नहीं था, 10, 11, 12, 13, 14 में चुनाव था, हम सिर्फ और सिर्फ महिला को सशक्तिकरण करना चाहते थे। राजीव गांधी जी ने कहा था, मैं उनके एक इंटरव्यू के एक संक्षिप्त शब्दों को याद करना चाहती हूँ कि महिलाओं के मामले में जो हिंदुस्तानी पुरुष है वो डबल स्टैंडर्ड का है। एक तरफ तो वो ऊंचे सिंहासन में महिला को बैठाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब उसको सम्मान और समानता का अधिकार देने की बारी आती है तब वो अपना पल्ला खींच लेता है, जैसा कि आपने हमारी राष्ट्रपति जी के साथ किया। राज्यसभा में रंजीत रंजन के सवालों का जवाब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल महिलाओं पर एहसान नहीं बल्कि उनका वंदन और अभिनंदन है। ये हम सब लोगों के मन में कुछ धारणाएं बन गई और वो धारणा ये बनी है कि जैसे हम महिलाओं पर कोई कार्य कर रहे हैं तो कुछ एहसान कर रहे हैं। अगर हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ किया तो हम कुछ ऑब्लाइज कर रहे हैं। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है। यह हमारा और आपका नहीं, ये हमारे को हमारे पूर्वजों ने, हमारी संस्कृति ने महिलाओं को जिस तरीके से समाज के में प्रतिष्ठापित किया वह बताता है कि हमेशा ही हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान उज्जवल रहा है। इसलिए वो पिछड़े हैं, वो असहाय हैं, वो अबला नारी, ये शब्दावली हमारी नहीं रही है। और हमने नारी को शक्ति के रूप में देखा, देवी के रूप में देखा और समाज को दृष्टि देने वाली। जेपी नड्डा ने कहा कि अगर ये बिल पास होता है तो 2029 तक 33% महिलाएं सांसद बनकर आएंगी।
2029 वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसते हुए कबीर का दोहा सुनाया और तुरंत आरक्षण को लागू करने की मांग की। नहीं नहीं, आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब 29 को नहीं, मैं सर जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दोहा सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? मिस्टर नड्डा, तो इसीलिए आप आज कीजिए, वी आर रेडी। वो इल्लीगल नहीं होता, जुडिशरी नहीं होता, कुछ नहीं। खड़गे की मांग पर जेपी नड्डा ने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी का उद्देश्य राजनीतिक फायदा लेने का नहीं है, सरकार नियमों से काम करती है और पक्का काम करने में विश्वास रखती है। वहीं लोकसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को संसदीय यात्रा का स्वर्णिम पल बताया। उन्होंने बिल का समर्थन करने के लिए सभी सांसदों का शुक्रिया किया। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य, सभी दल के सदस्य, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, बेबी उतने ही हकदार है। काबिले गौर है कि महिला आरक्षण बिल कानून बनने के बाद लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। लोकसभा में ये आरक्षण 2029 से लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। नई संसद भवन में नारी शक्ति बंधन बिल पास होने के बाद देश भर में महिलाओं का उत्साह देखने वाला है। आज इन्हीं में से कुछ महिलाएं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से दिल्ली के हरियाणा भवन में मिली। संसद में नारी शक्ति बंधन बिल पास होने पर महिला सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महिलाओं के लिए ऐतिहासिक बिल लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा धन्यवाद करता है। हरियाणा में हमारी सरकार ने पहले ही महिलाओं को 50% का आरक्षण दे दिया था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले से आधी आबादी को उनका हक मिलना सुनिश्चित होगा। 2015 में पानीपत की धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। आज के इस दिन पर मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभारी हूं, उनको इस बात की सराहना करता हूं कि एक लंबे समय से जो एक मांग चली आ रही थी कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, इस राजनीतिक क्षेत्र में, इस चुनावी प्रक्रिया में हमारी बहनों की, माताओं की, इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। ये भी ठीक है कि ऐसा प्रावधान किया गया है कि बहुत ही एक महिलाओं के सशक्तिकरण के नाते से याद रखा जाएगा। वैसे तो हरियाणा में हम अपनी मातृशक्ति महिलाएं, बेटियां, बहनें, उनके लिए कई काम जो हमने किए उसमें मूलभूत काम जो था 2015 में 22 जनवरी को जो हमने एक सम्मेलन कराया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पानीपत में, ही प्रधानमंत्री जी के स्वयं के इनिशिएटिव पर वो सब था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महिलाओं को अधिकार दिलाने वाला बिल पास होने से सभी बहनों के चेहरे पर रौनक नजर आ रही है। इस बिल के पास होने से हमारी बहनों, माताओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित होगी। हरियाणा अपने आप में गवाह है इस बात का कि हमने अपने स्थानीय स्वशासन में, चाहे पंचायती राज है चाहे नगरीय शासन है, उसमें हमने पहले से ही 50% का प्रतिनिधित्व तय कर दिया था। और उस समय हमें बड़ा एक ऐसी पोजीशन आती थी जो हमारे मीडिया के मित्र पूछते थे कि आपने यहाँ तो कर दिया है लेकिन विधानसभा लोकसभा में कब होगा, तो हम विषय की बात कहते थे कि एक राष्ट्रीय स्तर का एक कानून जब तक नहीं बनता है, पार्लियामेंट जब तक इस विषय में आगे नहीं बढ़ाती विषय को, तब तक हम तो नहीं इस पर कुछ कह सकते। लेकिन देखिए वो दिन आ गया,
स्पेशल सेशन बुलाया गया, स्पेशल भवन, मुझे लगता है शायद भवन का जो निर्माण हुआ होगा सोच समझ के किया होगा कि इतना बड़ा काम इस नए संसद भवन के अंदर जाके किया जाएगा। पहले दिन ही ये बिल पेश हुआ, पास हुआ और राज्यसभा में पास होगा, फिर सभी देश की जो विधानसभाएं हैं उनमें ये बिल जाएगा, फिर उसके बाद फाइनली ये एक प्रकार का एक कानून बन जाएगा। आपको बता दें कि नई संसद के पहले दिन ही महिला विधेयक बिल पेश हुआ और प्रचंड बहुमत से पास भी हुआ। 2029 के चुनाव से पहले इस कानून से जुड़ी हुई सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि 2015 में हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी, जिसका परिणाम है कि हरियाणा बेटी बचाने वाला प्रदेश बन गया है। आज हरियाणा में 923-926 का रेशियो बन गया है। 2029 का जो चुनाव है उससे पहले पहले सब प्रक्रियाएं होने के बाद उस समय बहनें और अधिक मुस्कुराएंगी, और जिन बहनों के चुनाव लड़ने के कारण से हमारे दूसरे बंधु थोड़ा उस समय उनके चेहरे देखने वाले होंगे, क्योंकि कल रात को मेरे पास सांसद मिलकर के आए थे, कह लगे हम पास कर रहे हैं, अपने आप ही पास कर रहे हैं अपने आप को रास्ते से हटाने के लिए। अब बेटी बचाने वाला प्रदेश सबसे अग्रणी प्रदेश इस नाते से, जो 871 की उस समय जो ऑफिशियल एक आंकड़ा दिया जाता था कि जेंडर रेशो उस समय थी, आज वही जेंडर रेशो 923-926 एनुअल स्तर के ऊपर पहुंच गई है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में हरियाणा के अलग अलग जिलों से दिल्ली आई हुई महिलाओं से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सभी महिलाएं नई संसद की ओर रवाना हुई। महिलाओं ने इस मौके पर खुशी जताई और आभार व्यक्त किया। हमें बहुत खुश हुई, हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे हरियाणा के स्टेट के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी का, जिन्होंने की 33% का आरक्षण बीबियों को विधानसभा और पार्लियामेंट में दिया। आज उस खुशी में हम संसद भवन में, आप लोगों की भागीदारी बढ़ गई आएगी, अब लोकसभा में भी विधानसभा में भी आप लोग भी अब चुनाव लड़ सकेंगे जब ये कानून बन जाए। मोदी जी का सराहनीय कदम है, उनके बहुत आभारी है इस बिल के लिए उनके, कि उन्होंने मोदी जी के बारी है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, इसलिए इसकी बारी आई है, अब हम देखेंगे हम क्या करेंगे, आप लोग भी देखना है, ठीक है। तो महिलाएं का कहना है कि सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के सम्मान की बात हमेशा से कही जा रही है और हमें इतनी खुशी है कि आज हम इसके साक्षी हैं। हम सब जो हरियाणा से आए हैं, कुरुक्षेत्र से आए हैं, तो हम इसके साक्षी हैं और ये ऐतिहासिक पल है जिसे हम जीने जा रहे हैं। यकीनन देश की आधी आबादी को जो अधिकार दशकों पहले मिल जाना चाहिए था उसे मिलने में बहुत देरी हुई। जब हम समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं और जब पुरुषों के साथ महिलाएं हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर देश को गौरवान्वित कर रही हैं, तो ऐसे में कोई कारण नहीं उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जाए। नारी शक्ति बंधन बिल के पूर्ण बहुमत से पास होने पर आने वाले समय में लोकसभा हो या फिर विधानसभा, नारी शक्ति की धमक जरूर देखने को मिलेगी। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आपके जहन में कई सवाल उठेंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अपने जिगर के टुकड़ों को जब आप स्कूल भेजते हैं तो क्या वो वहां पर महफूज हैं? ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ तस्वीरें पंजाब के लुधियाना के एक निजी स्कूल से हमारे पास आई हैं। इस स्कूल में एक टीचर एक बच्चे को बेरहमी से पीट रहा है। क्या पूरा माजरा है और इस बच्चे को क्यों पीटा जा रहा है और ये वीडियो वायरल होने के बाद क्या प्रिंसिपल पर या इस टीचर पर कोई एक्शन लिया गया है या नहीं, ये दिखा रही है हमारी बिग न्यूज बिग शो की अगली रिपोर्ट। घर के बाद स्कूल में बच्चा खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन अब तो शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाला स्कूल भी महफूज नहीं रहा है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि लुधियाना से आई ये तस्वीर कह रही है। पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए, फिर पूरा मांजरा तफशील से बताएंगे। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा, किसी की भी रूह सिसक उठेगी, जहन में सवाल उठेंगे कि ये क्या हो रहा है।
शिष्य पर गुरु का ऐसा सितम क्यों? ये तस्वीरें लुधियाना के मुस्लिम कॉलोनी स्थित एक निजी स्कूल की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक शिक्षक कैसे बच्चों को बेरहमी से पीट रहा है। दो छात्रों ने बच्चों के पैर पकड़ रखे हैं और टीचर बेरहमी से उस पर वार कर रहा है। बच्चा चीख चीख कर माफी मांग रहा है, लेकिन शिक्षक पर तो शैतान सवार है और उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। दरअसल बच्चे पर आरोप था कि उसने अपने सहयोगी छात्र को पेंसिल मार दी थी। इसके बाद बच्चों पर दो दिन तक स्टाफ ने जुल्म ढाया। स्कूल प्रिंसिपल ने दो छात्रों से एलकेजी में पढ़ रहे बच्चों के हाथ और पांव पकड़वाए और फिर उसके पैरों पर डंडे बरसाए गए। इस दौरान बच्चा रहम के लिए चिल्लाता रहा। उधर परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चे के साथ दो दिन इसी तरह से मारपीट हुई है। स्कूल के ही किसी बच्चे ने इसकी वीडियो बना ली। बच्चा घर आया तो उसके पांव के तलवे लाल थे, वो चल भी नहीं पा रहा था। बच्चे की जांघे और बैक पर डंडे के गहरे निशान बने हुए थे। बहरहाल परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी है। अब ये देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। लेकिन स्कूल में प्रिंसिपल की इस करतूत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन किसी बच्चे की गलती की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी? क्या अब स्कूलों में थर्ड ग्रेड दी जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि ऐसे स्कूल के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि बिग न्यूज बिग शो को यहीं पर विराम दिया जाए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सूर्य समाचार पर बिग न्यूज बिग शो के बाद भी खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।